आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के प्रदेश चेयरमैन राकेश भड़ाना ने स्काईलार्क होटल में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश व हरियाणा प्रदेश में शोषित व वंचित समाज का भाजपा सरकार हर तरह से शोषण कर रही है। आज ओबीसी के कोटे की सरकारी नौकरियों में पद खाली होने के बावजूद भी भाजपा सरकार पदों को नहीं भर रही। प्रदेश भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा अपने सांसद राजकुमार सैनी के द्वारा प्रदेश का भाईचारा खराब करने का काम कर रही है, लेकिन अपने सांसद राजकुमार सैनी के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। भाजपा सिर्फ प्रदेश में जातिवाद में लोगों को बांटकर व झूठे वायदे करके सिर्फ सत्ता में बना रहना चाहती है, लेकिन कांग्रेस भाजपा की सभी कारगुजारियों को जनता के बीच जाकर भाजपा का पर्दाफाश करेगी। राकेश भड़ाना ने कहा कि ऐसे पिछड़े व अति पिछड़े वर्ग जो कि शोषित और वंचित समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के द्वारा 14 जुलाई को समालखा हल्के के चुलकाना गांव में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। परंतु आज जो ओबीसी वर्ग के लोग राहुल गांधी जी से मिलते हैं, बार बार राहुल गांधी जी से मिलते हैं, गांधी जी से रखते हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की ये सोच है कि हमेशा श्री राहुल स्वर्गीय राजीव गांधी जी की भी ये सोच रही, और उनकी ये सोच है कि जो देश में चाहे किसी वर्ग के लोग हों उनके हकों की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। और इस नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लोगों से झूठ बोल के सत्ता काबिज की है, तो उसके लिए हम राहुल गांधी, हमें वोटों की कोई बात नहीं है, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप भला करो उन लोगों का, ओबीसी का भला करो, ऐसे भला नहीं होगा ना। एक तरफ सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में, दूसरे उन्हीं के लोग उन्हें उकसा के झगड़ा करा रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो बात है, उन्होंने भी पीछे यहाँ रैली की है, रथ यात्रा जो निकाल रहे हैं, वो उनके निजी अपने प्रोग्राम है, वो कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये कांग्रेस पार्टी ओबीसी विभाग का प्रोग्राम है। और रही बात समालखा की, और कि हम यहाँ टारगेट ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं कि यहाँ से हम कि भाई हमारा किसी का कोई कंपटीशन हो करा। और आज प्रदेश के जो हालात हैं, जो समान विकास की बात किया करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज देख ले सड़कों पे किसान है, सड़कों पे व्यापारी है, सड़कों पे युवा है, महिलाएं असुरक्षित हैं, आज हालात प्रदेश के कैसे हैं तो आप सब लोग जानते हैं। इसका एक मतलब ये भी है कि जीटी रोड बेल्ट सभी पार्टी, ये सरकार तो सब जगह से ही बनती है, पर बात इस बात की है कि जीटी रोड वालों को जिस तरीके से गुमराह कर दिया सरकार ने, अब लोग तैयार हैं, कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ लोग कांग्रेस के साथ जुड़ भी रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में युवाओं को ओबीसी सेल से आज आप सच मानने इस बात के लिए कि आज प्रदेश में हमारे पास 500 लोगों की कमेटी है, और लोग युवा जो हैं वो लोग और बहुत तेज़ी से ओबीसी की तरफ। अभी यूथ कांग्रेस वाले आए थे उनकी चंडीगढ़ में, वो यादव जी ने, ये बहुत अच्छा बात आपने मुझसे पूछी। हमारी अभी जो ताल कटोरा स्टेडियम में मीटिंग थी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमर धवल साहू जी ने ये बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारे साहू जी ने कहा कि हमें इतना चाहिए, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि इतना नहीं, मैं इतना दूंगा। और वैसे भी हमारे जो सेल बने हैं ओबीसी हो चाहे और वर्ग हो, राहुल जी ने ये तय कर दिया है कि जो लोग काबिल होंगे इस सेल में, जो लोग काम करते हैं और जो लोग काम करेंगे और जो काबिल होंगे, कम से कम 20 टिकटें ओबीसी वर्ग, ओबीसी के लोगों को दी जाएगी। ये उन्होंने बोला या आपने डिमांड की थी कि 20 चाहिए? हमने तो डिमांड की थी, पर उन्होंने कहा कि इतनी चाहिए, उन्होंने कहा इतनी नहीं, मैं इतनी दूंगा। आपके हवाले से लिखते हैं राहुल गांधी 20 टिकटें ब्रेकवर्ड को देने की उन्होंने आश्वासन दिया। हाँ, आपके हवाले से लिखते हैं उन्होंने 20 शब्द। इतनी बात मत करो, आप इतनी बात करो। देखिए आज जो प्रदेश के हालात हैं, जो युवा राजनीति में जो युवा काम कर रहे हैं, चाहे वो ओबीसी सेल की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे किसी भी बात हो, राहुल गांधी जी की सोच है, आप ये देख भी रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पे जो बदलाव हो रहे हैं, राहुल गांधी जी की सोच है कि नए नए युवा आगे आए और राजनीति में एक साफ छवि के लोग राजनीति में आए, और ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं खुद ये इस बात की डिमांड करता हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी करता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष से भी करता हूँ, और राहुल गांधी जी से भी करता हूँ कि हरियाणा में ओबीसी के लोग इतने एक्टिव हैं कि हम 20 टिकटों की उनसे डिमांड करते हैं, और मुझे पूरा भरोसा भी है कि वो हमारी इस बात को मानेंगे। हुड्डा तंवर का तो ऐसा कोई ग्रुप है भी नहीं, सब लोग अपना अपना कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं 10 साल,
तो वो पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। तंवर साहब पार्टी के अध्यक्ष हैं और वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। मैं इनकी बात को बड़ा कर हरियाणा के 1.5 करोड़ लोग हैं हरियाणा में, थोड़ा आगे पीछे लगा 2.5 करोड़ की बात है, 2.64 करोड़ से ज़्यादा दे पाए। देखिए चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे कोई भी हो, प्रदेश बढ़ता जा रहा है। नौजवान समय पे जिस तरीके से उम्र का है वो 18 से 19 होते जा रहे हैं, 19 से कोई 21 होता जा रहा है, इस तरीके से जो बढ़ते जा रहे हैं। और नौकरी तो ये 45,000 भी भर जाएंगी फिर भी नौकरी तो फिर भी ऑप्शन रहेगा। नेता लोग जो है ना, चाहे अरविंद शर्मा आए थे या और, मैंने तो खैर अभी वो वीडियो देखी नहीं कि आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ। जो लोग रेस लगाते हैं रेस में रह जाते हैं, मेरा काम रेस टिकट के साथ है। देखिए मैं राजनीति करता हूँ तो मैं राजनीति करूँगा ना। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, वो लोग जिम ही करते रहेंगे, और जो रेस लगाते हैं वो रेस लगाते रहेंगे। तो स्वाभाविक है, अगर वो 5 MLA ना ले जाते तो आज हरियाणा की तस्वीर को चोर होती। देखो ये मैं इसमें तो क्या बोलूँ कि पर ये सब लोग जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, आप मेरे से पुराना वाकिफ है, मैं आता रहा हूँ, जब मैं यूथ का अध्यक्ष रहा हूँ, कौन किसको लेके भागा था, क्या हुआ था, ये सब लोग पूरा हरियाणा जानता है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये कि श्री राहुल गांधी जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जिसे टिकट देंगे, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई तीसरा हो, वो टिकट बांटने वाले बांटते हैं और उनके ही सहमति से टिकट मिलती है। आप कुलदीप बिश्नोई से बात देखिए, भूमिका तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी तय करेंगे कि किसकी क्या भूमिका रहेगी, और सब ठीक चल रहा है हरियाणा में। आज जो 14 तारीख का संभालकर के चुलकाना गांव में एक OBC उसका सेल का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है, उसी सिलसिले में आज हमारे प्रदेश OBC सेल के राकेश भड़ाना जी वो पानीपत में निमंत्रण देने के लिए आए, और उन्होंने OBC वर्ग के लोगों के लिए क्या इस प्रदेश में ज्यादती हो रही है उनके अधिकारियों के लड़ने के लिए उन्होंने आज प्रेस को संबोधित किया, और पानीपत में आकर के यहाँ के लोगों को 14 तारीख के रैली के बारे में उन्होंने निमंत्रण दिया और बताया कि OBC वर्ग के का इस सरकार में क्या शोषण हो रहा है, किस तरह का इनका इनको शोषित किया जा रहा है, इनको डराया जा रहा है, जातिवाद में बांट करके इनको अलग अलग बांटा जा रहा है। इस सब के खिलाफ एक OBC सेल हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपना एक अभियान चलाया है, उनको सबको एक साथ जोड़ करके इनके कल्याण की जो बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, उन्होंने आश्वासन दिया कि जब कांग्रेस की सरकार इस देश में और प्रदेश में होगी तो इसके कल्याण के लिए अलग अलग योजनाओं के साथ इनको एक फायदा पहुँचाया जाएगा, इनके कल्याण की बात की जाएगी, और इनको संगठित होकर के इनको नौकरियों में भी इनको इनका जो कोटा बनता है वो भी दिया जाएगा। इन तमाम तरह की जो बातें हैं वो सब आज इन राकेश भड़ाना ने यहाँ करके लोगों को बताई। मैं मानता हूँ कि 14 तारीख को जिसमें डॉक्टर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर जी उसके मुख्य अतिथि होंगे, वो इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे, और मेरा मानना ही है कि ये रैली एक अपने आप में एक बढ़िया साबित होगी, क्योंकि जिस रोड बेल्ट से शुरुआत 15 अप्रैल को भी एक OBC सेल का जन जागरण सम्मेलन के तौर पर यहाँ से अभियान किया गया था, उसी सिलसिले में दूसरा जिट रोड बेल्ट पे बहुत बड़ा एक कार्यक्रम OBC सेल का होगा। ये अभी लोग तो इसमें जो पदाधिकारी हैं सभी लोग यहाँ पे शामिल होंगे, लेकिन जो कार्यक्रम जो लोगों की भीड़ होगी वो संभाल का हल्के से एक वो भीड़ इकट्ठी होगी, क्योंकि वो आजाद पसीना हमारे यूथ को OBC सेल के जो जिलाध्यक्ष बने उन्होंने कार्यक्रम लिया, लेकिन जो पदाधिकारी और प्रदेश के सभी तमाम पदाधिकारी हैं इसमें शामिल होंगे।